राइट, सो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें वायरिंग एक्सेस करना है। वायरिंग एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले हेड के चारों स्क्रू खोलने होंगे। तो ये चारों स्क्रूज यहाँ पे हैं। चार स्क्रूज खोलने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें जो ये रेड वाला जो वायर है, इसमें भी दो वायर्स हैं, एक रेड है और एक रेड ब्लैक है। तो रेड ब्लैक वाली जो वायर है, इसका मतलब है कि जब ये इग्निशन चालू किया जाएगा तो करंट उस रेड ब्लैक वायर से होकर जाएगी। तो हमें हमारे मोबाइल चार्जर को अगर इग्निशन पर लगाना है तो इसी रेड और ब्लैक वायर पर लगाना होगा। तो हम लोग बिना वायरिंग कट किए इसको ऐसे डायरेक्ट लगा रहे हैं बीच में। अब ये जो वायर है ये ग्राउंड होगा। एक वायर हमने रेड में लगा दिया जो पावर देगा और दूसरा ग्राउंड का काम करेगा। सो यहाँ पे आपको ग्राउंड अगर देना है तो आपको किसी भी एक स्क्रू पे चेसी के इसको फिक्स करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्जर अच्छे से चल रहा है। तो हम लोग इसको डिटैचेबल बना रहे हैं। डिटैचेबल बनाने के लिए हम लोगों ने एक 20 रुपए का कनेक्टर लिया है। फिर इस कनेक्टर को एक्सटेंड करके हम लोगों ने रेड वायर में लगाया है और दूसरा वाला जो है वो हम लोग चेसी पे कहीं भी एक स्क्रू पे लगा देंगे। हम लोग यहां लगाने का इसको सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा चालू करके देखना है कि सच में काम कर रहा है या नहीं। तो चालू करने पे आप देख सकते हो ब्लू लाइट जल रही है अंदर। सच में चार्ज हो रहा है। चार्जिंग आइकन भी दिखाई दे रही है। तो अब हम लोग अच्छे से सारे वायर्स को जिप टाई कर देंगे ताकि क्लीन दिखे। यहां पे भी जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम लोग जिप टाई कर रहे हैं और जैसे टेप लगा के एक साथ लगा दे रहे हैं ताकि क्लीन दिखे। नेक्स्ट टाइम जब अगर कुछ खोलना होगा काम करने के लिए तो क्लटर्ड ना लगे। अब हेडलाइट को हम लोग वापस लगा देते हैं। पहले हम लोगों को ये पार्किंग लाइट लगानी है। मेक श्योर करें कि हर चीज अच्छे से लगाई हुई है, बाद में निकल ना जाए। ये ब्लैक वाला पार्किंग लाइट का कनेक्टर है और ये वाला जो मेन है सबसे बड़ा वाला कनेक्टर वो हेडलाइट का है। इसको लगा देने के बाद आपको बस हेड को बंद करना है और सारे चारों के चारों स्क्रूज वापस लगा देने हैं। ये ब्रैकेट मत भूलिएगा क्योंकि ये ब्रैकेट पे वो स्क्रू टाइट होता है। टोटल 4 ब्रैकेट्स होंगे ऐसे। चारों स्क्रू लगा देने के बाद एक बार और हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि सब चल रहा है कि नहीं।
अगर आप लोगों को ऐसे और भी कंटेंट्स चाहिए तो इस चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो।